हाँ जी, कितना ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड अ संडे व्लॉग। आज मुझे मॉर्निंग से ही कॉल्स आ रहे थे कि लंच के लिए बुकिंग्स की, तो उसके वजह से मुझे मेक श्योर करना पड़ा कि एक्स्ट्रा अर्ली रेस्टोरेंट पहुंचूं। और रेस्टोरेंट पहुंचते ही मैंने सबसे पहले मेक श्योर किया कि हमारा जो गेस्ट एरिया है वो सेटअप कर दूं ताकि गेस्ट्स को वेलकम कर सकूं मैं। एंड ऑफकोर्स वीकेंड था, संडे था, तो मुझे मेक श्योर करना था कि जो हमारा सेटअप रहे, मिजम प्लाज रहे, वो पूरा परफेक्टली रेडी हो इवन बिफोर टाइम। तो मैं उसमें भी ऑक्यूपाइड हो गया था, मैंने साथ ही साथ पार्ट भी लगा लिया था। और जैसे कि मैंने कहा था, हमारा लंच का रश जो हिट करने वाला था वो हिट कर चुका था। एंड लंच का जो रश था, मल्टीपल टेबल्स आ गए थे और रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट फुल हो चुका था ऑलमोस्ट इमीडिएटली जैसे ही हमारा ओपनिंग टाइम हिट कर गया था। तो उसके वजह से थोड़ा जो है हेक्टिक हो गया था किचन। और मैं अकेला होता हूँ जनरली किचन में, संडेज़ या फिर कोई भी डे हो, आफ्टरनून में यूजुअली अकेला होता हूँ, तो उसके वजह से थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। और जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला बीच में, बिटवीन टेबल्स एंड बिटवीन ऑर्डर्स, मैंने मेरी कोल्ड कॉफ़ी बनाई और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा चिल्ड चेरिश करी। और फिर उसके साथ ही साथ मिजम प्लास भी जो होता है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, हमारे जो सारे ग्रेन्स को कुक करना रहता है, तो मैं उसमें ऑक्यूपाई हो गया था। हमारी दाल मखनी, छोले, राजमा, पनीर बटर मसाला, ये सब बैकग्राउंड में कुक होना चालू हो गया था। उसी के साथ ही साथ ऑर्डर्स भी स्लो पेस पे आ रहे थे, लेकिन कंटिन्यूस आ रहे थे। जो ऑर्डर्स थे वो एक नॉन स्टॉप आए जा रहे थे और नॉन स्टॉप जाए जा रहे थे। ऑफकोर्स कुछ रेगुलर्स आए थे, कुछ न्यू विजिटर्स थे, फर्स्ट टाइम विजिटर्स थे, जो कि यूजुअल होता है वीकेंड्स पे। और फिर ऑलमोस्ट इवनिंग हिट करने से पहले मैंने मेरा लंच कंप्लीट किया और फिर इवनिंग का पार्ट लगा लिया। इवनिंग के पार्ट के साथ ही साथ जो आज का डिनर रश है वो थोड़ा सा लेट हिट करा था, बट फुल फ्लो, फुल स्पीड में हिट करा था। एंड अनएक्सपेक्टेडली जो सडन रश आ गया था हमारा, क्योंकि बहुत लेट रश आया था, तो उसके वजह से किचन थोड़ा सा बैकअप हो गया था। हमारे जो जोमेटो ऑर्डर्स थे, टेक अवे ऑर्डर्स थे, पार्सल ऑर्डर्स थे या फिर डाइन इन ऑर्डर्स थे, वो थोड़े से बैकअप हो रहे थे बिकॉज इतना ज़्यादा रश एक साथ हिट कर गया था। जोमेटो के जो क्वांटिटी ऑर्डर्स आ रहे थे, जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बट स्टिल हमें डिलीवर करना होता है, हमें मेक श्योर करना होता है कि हम उन्हें सर्व करें। डाइन इन ऑर्डर्स जो थे वो फैमिली ऑर्डर्स आ रहे थे, क्योंकि बड़ी लार्ज फैमिलीज, लार्ज ग्रुप्स आए थे, तो उसके वजह से भी किचन थोड़ा हेक्टिक हो गया था। उसी के साथ ही साथ हमारे बहुत सारे रेगुलर्स थे जो कि आज टेक अवे लेके जा रहे थे अपने फैमिली के साथ हमारा खाना घर पे एंजॉय करने के लिए। और ये जो हमारा लास्ट ऑर्डर ऑफ द डे था, ऑलमोस्ट क्लोजिंग से एक मिनट पहले आया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्यूटिफुल पीपल, होप टू सी यू सून अगेन।